हेलो दोस्तों, वर्टेस क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, पुलिस में जो आया हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। ये जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं वो जेल बॉर्डर में 2020 में आया हुआ पेपर है, उसमें जो भी क्वेश्चन मैथ के आए थे वो हम लोग सॉल्व करेंगे आज। और बाकी वीडियो में आप लोग देख रहे होंगे रीजनिंग के भी सॉल्व किया जा रहा है, तो बाकी वीडियो भी आप जाके देखें, यहाँ पे आप लोगों को सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिल जाएंगे। और मेरा वीडियो आपने देखा होगा जाके, लेक्चर का आप नहीं देखा होगा तो जाके देखिए, लेक्चर मैं पढ़ा रहा हूँ वहां पे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, उसमें मैंने 6 लेक्चर पढ़ा दिया है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात और समानुपात, ठीक है। तो जिन्होंने नहीं देखा जाके उसको देख लो, चैप्टर आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। बाकी मैं यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा देता हूँ आप लोगों को, तो कंप्लीट हो जाएगा आपका। चलिए इस क्वेश्चन देखते हैं क्या आया था 2020 में जेल बॉर्डर में। पहला क्वेश्चन दे रखा है, एक लिफ्ट प्रत्येक 65 किलोग्राम के औसत भार केवल 6 लोगों को ले जा सकती है। यदि उस लिफ्ट में 5 लोगों का औसत भार 67.2 किलोग्राम है, 67.2, तो छठे व्यक्ति का अधिकतम भार कितना हो सकता है। इसको हम बेसिक मेथड से भी लगा सकते हैं और एक मेथड है जीएसएम मेथड, जूनियर सेटिस्फैक्टरी मेथड, इससे भी लगा देते हैं। मैं दोनों आप लोगों को बता देता हूं। तो पहले जीएसएम मेथड देखते हैं। यह क्या रखा है, 6 लोगों का भार दे रखा है 65 किलोग्राम ना, 65 किलोग्राम का औसत भार 6 लोगों का, तो 6 लोगों का कितना दे रखा है 65 किलोग्राम। उसके बाद क्या कहा जा रहा है, यदि उस लिफ्ट में 5 लोगों का औसत भार इतना है, 5 लोगों का औसत भार कितना दे रखा है 67, कितना दे रखा है 67.2 किलोग्राम, तो पूछा जा रहा है छठे व्यक्ति का यानी एक व्यक्ति जो बचा हुआ उसका औसत भार कितना होगा, ये पूछा जा रहा है। जैसे मेथड में क्या होता है, आप जो औसत भार टोटल दे रखा है उसको मान लीजिए, अब ये मान लीजिए यही औसत भार रहा होगा टोटल, है ना। अब इससे कंपेयर कीजिए बाकी को, 65 से ये कितना ज्यादा है, 65 से 2.2 ज्यादा है, 65 से 2.2 ज्यादा है। अब 2.2 ज्यादा है तो कितने में, 5 में, तो आप इसको 5 से गुणा कीजिए, कितना आ गया 5 × 10, और 5 × 10 11, यानी 11 आ गया। तो 65 से जो ज्यादा है टोटल कितना हो, 11 ज्यादा है, 11 प्लस में है, तो जो बैलेंस होता है ना औसत में होता क्या है, बैलेंस करना रहता है, तो 11 ज्यादा तो यानी -11 यहाँ पे घटेगा, क्योंकि यहाँ प्लस में 11 ज्यादा है टोटल, तो -11 यहाँ पे घट जाएगा तभी बैलेंस होगा औसत। टोटल औसत हमने कितना माना था 65, अब -11 इसमें घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 में से 1 गए 4 और 6 में से 1 गए 5, यानी 54 जो आ जाएगा, एक जो बाकी बचा व्यक्ति है उसका औसत भार। इस हिसाब से ऑप्शन क्या सही हो गया, डी। ये था जीएसएम मेथड। अब मेथड देखते हैं बेसिक मेथड। बेसिक मेथड से इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते थे, 6 लोगों का औसत भार कितना दे रखा है 65 किलोग्राम, और 5 लोगों का दे रखा है 67.2 मल्टीप्लाई कीजिए और इसको घटा दीजिए, तो 6 × 5 = 30, 6 × 36 = 39, यानी 390, माइनस 5 × 10, 5 × 35 = 36, 5 × 6 = 30 और 3 × 33, 1 पे पॉइंट लग जाएगा यानी 336। घटाइए जरा इसको, 10 में से 6 गए 4, यहाँ कितना बचा 8, 8 में से 3 के 5, ये हो जाएगा 54 किलोग्राम इसका औसत वेट आ जाएगा। तो ये था बेसिक मेथड, बाकी जूनियर सेटिस्फैक्टरी मेथड से भी लगा सकते थे इसको, तो समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अधिकतम वेतन के लिए किसी व्यक्ति को किस वेतन वृद्धि वाले विकल्प को चुनना चाहिए। पहला दे रखा है, हर तिमाही माह में वेतन में 10% वृद्धि की प्रत्येक की वृद्धि, हर साल वेतन में 40% प्रतिशत की वृद्धि, तो कौन सा सही है, ए बी या दोनों। देखिए इसमें क्या होता है, तिमाही में अगर ये परसेंटेज की वृद्धि की जाए तो एक साल में कितने स्लॉट बनेंगे, 3 × 3 = 1, एक साल में कितने स्लॉट बन जाएंगे 4, 4 स्लॉट बनेंगे, यानी अब जो समय दे रखा है वो कितना हो जाएगा, 3 × 3 महीने का स्लॉट बनेगा तो 4 हो जाएगा, ठीक। और रेट तो वही कह रहा है, हर तिमाही में 10%, यानी रेट नहीं चेंज होगी, रेट वही रहेगी 10%, ठीक। और इसमें क्या कह रहा है, हर साल में वेतन में 40% वृद्धि, एक साल में 40% वृद्धि यानी कितनी वृद्धि हो रही है, सिर्फ 40%,
दूसरे ऑप्शन से सिर्फ क्या हो रहा है 40% की वृद्धि होगी, क्योंकि एक साल है पर ईयर के हिसाब से, है ना, बात समझ में आ रही है पर ईयर के हिसाब से। इसमें क्या हो जाएगा, क्योंकि एक साल था, इसमें टाइम 4 साल है। अब देखो मल्टीप्लाई फैक्टर मेथड से इसको लगाते हैं। मल्टीप्लाई फैक्टर मेथड क्या है, इसमें यह होता है परसेंटेज कितना दे रखा है 10%, तो पहली साल में क्या रहेगा परसेंट बराबर रखो आप, 10% का 10% ही रखो, ठीक। दूसरी साल में क्या होगा, अच्छा 10% का फ्रैक्शन भी निकाल लो, इसका फ्रैक्शन क्या होगा 1/10 होता है ना, 10/100 करोगे आप तो 1/10 आएगा। अगली साल इस 10% का क्या हो जाएगा 1/10, तो कितना परसेंट हो जाएगा 1%। नेक्स्ट ईयर में क्या होगा, इस 1% का फिर से 1/10 निकालेंगे तो 0.1% हो जाएगा। तो ये कितने साल का हुआ, अभी ये साल हुआ 3 साल, अभी कितने साल का निकालना 4 साल का। अगली बार क्या करेंगे 0.1% का फिर से 1/10 निकालेंगे, कितना आ जाएगा 0.01%, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, 4 साल में ये कितना परसेंट आ गया, ये टोटल जो आ रहा है यही तो वृद्धि है 10, और इसमें क्या होता है 4 साल का, तो इसमें मल्टीप्लाई किया जाता है। मल्टीप्लाई फैक्टर में क्या होता है, 4 साल का अगर है तो पहले 4 से मल्टीप्लाई, फिर 6, फिर 4, फिर 1, 4, 6, 4, 1 से मल्टीप्लाई होता है, ये रूल होता है। 3 साल के लिए 3×3×1 होता है और 4 साल के लिए 4, 6, 4, 1 होता है। तो 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आ जाएगा 40%, और ये कितना आ जाएगा 6%, ये आ जाएगा 0.4 यानी 0.4%, ये 0.01%। आप इसको जब जोड़ेंगे पूरा तो कितना परसेंट आ रहा है, 40 और 6, 46, पूरा जोड़िए 6, 46, 0.41 यानी 46.41%, ये आ जाएगा टोटल वृद्धि। समझ में आ रही बात, ये 4 साल के हिसाब से है चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से, लेकिन एक साल के हिसाब से 40% बढ़ रहा है और 3-3 महीने के हिसाब से 46.41 बढ़ रहा है, तो किसमें ज्यादा बढ़ रहा है, इस 3-3 महीने वाले स्लॉट में, यानी ऑप्शन ए सही होना चाहिए। इसमें ही पूछ रहा था कि किस विकल्प को चुनना चाहिए, तो आप इस विकल्प को चुनिए क्योंकि इसमें 6.41% ज्यादा मिलेगा आपको, यानी ऑप्शन ए सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक अंतरिक्ष यान 2 घंटे 20 मिनट में 66-25 किलोमीटर की यात्रा करता है और उसके बाद यह 40 मिनट में 824 किलोमीटर आगे बढ़ता है, अंतरिक्ष यान की औसत गति क्या होगी, ये पूछा है। तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे स्पीड का फार्मूला क्या होता है, गति का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। आप क्या करिए, टोटल टाइम निकालिए, इसमें टोटल टाइम कितना लगा पहुंचने में यान को, टोटल टाइम देखिए, पहले 2 घंटे 20 मिनट लगा है, 2 hour + 20 minutes, 2 घंटे 20 मिनट, ठीक। दूसरी बार कितना लगा, 40 मिनट लगा, तो आप इसको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 घंटे 60 मिनट, यानी कि टोटल क्या हो गया 3 घंटे, तो टोटल टाइम 3 घंटे होंगे, और टोटल डिस्टेंस जो कवर किया है उसने वो निकाल लीजिए, टोटल डिस्टेंस कितनी, टोटल डिस्टेंस पहला कितना कवर किया था 66-25 प्लस उसके बाद कितना कवर किया 824, तो इन दोनों को ऐड करिए, 5, 4, 9, 2 और 2, 4, 8, 6, 14 और 6, 1, 7 यानी 7449, ये क्या आ जाएगा किलोमीटर में, है ना, किलोमीटर में दे रखा है। तो अब स्पीड क्या हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कितना आ गया 7449 किलोमीटर अपॉन डिस्टेंस आ गई टोटल, और टाइम है 3 घंटे, तो डिवाइड कर दीजिए 3×6, देखिए 2 कहाँ पे आ रहा है, एक ही ऑप्शन में आ रहा है, तो 3×6 जैसे आपने किया 2 मिल गया, तो ऑप्शन ए सही है, ठीक है। टाइम नहीं बर्बाद करना है, लेकिन करना चाहो तो चलो सीख लो, 3×6 उसके बाद 3×4, 12, 3×4, 12, 2 बचा 3×8, 24 और 3×3, 9 यानी 2483 किलोमीटर पर हावर, यानी किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन देखिए पहला सही है, तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, किसी कर्मचारी का वेतन पहले 50% बढ़ता है और उसके बाद 54% घट जाता है, उनके वेतन में परिवर्तन का कुल प्रतिशत कितना था। बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, 4% या 31% कमी आ रही है ना, ऑप्शन दे रखा है जैसा, ये 31% वृद्धि हो रही है, 4% कमी आ रही है। इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे लगाएंगे, रेशियो मेथड से लगाइए, मेथड तो बहुत लगाने का, लेकिन आसान तरीका ढूंढो कौन सा लगाना है ना। रेशियो मेथड में क्या करेंगे आप,
देखिए 50% बढ़ रहा है तो 50% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/2। अब ये सीखना पड़ेगा ना 50% का फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं। 50% का मतलब 100 होता है, 100 से डिवाइड करिए तो 1/2 आ गया। तो 50% का फ्रैक्शन 1/2, और अगला क्या करा 54% फिर घट जाता है, तो 54% का फ्रैक्शन कैसे निकालोगे, 54/100। इसको कैंसिल कर दीजिए, 2 × 4 = 2 × 14, 2 × 5 = 10, 0 यानी 27/50 आ जाएगा। ये फ्रैक्शन आ गया, 50% बढ़ रहा था और 54% घट रहा था, तो फ्रैक्शन में क्या होगा, 50% बढ़ रहा यानी पहले 2 था अब 1 बढ़ गया, 2 से 3 हो गया। अब इसमें घट रहा यानी पहले 50 था अब 27 घट गया, 50 में से 27 आप घटाइए, 10 में से 7 गए 3, 4 में से 2 गए 2। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किए, 50 × 2 कितना हो जाएगा 100, और 23 × 3, 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6। देखिए पहले 100 था अब 69 हो गया, तो घट के कितना घटा, ओवरऑल देखो घट रहा है, पहले 100 था अब 69 हो गया, घटा कितना 31, कितने में से 100 में से, क्योंकि 100 से ही घट रहा था, इनटू 100 परसेंटेज निकल गया कितना परसेंट, 31%। यानी 31% के क्या आई है, कमी आई है, घटा हुआ है। ऑप्शन क्या सही होना चाहिए, 31% डिक्रीज, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा तो मेरे चैप्टर जो पढ़ाऊंगा परसेंटेज आप लोग को वहां पे समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पी यूनिट त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। पी यूनिट त्रिज्या यानी देखो रेडियस दे रखा है पी, और वृत्त का क्षेत्रफल तो पता होगा आप लोगों को, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यही होता है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। अब यहां रेडियस पे क्या दे रखा पी, तो रेडियस पी दे रखा, तो रख दो वैल्यू पाई पी स्क्वायर, तो पाई पी स्क्वायर वर्ग यूनिट, वर्ग यूनिट, वर्ग यूनिट तो होगा ही, ठीक है, स्क्वायर में आएगा, तो पाई पी स्क्वायर ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो फिर समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ए के पास 63 ग्राम वजन वाले चांदी के सिक्के और बी के पास 77 ग्राम वजन वाले चांदी के सिक्के हैं, ठीक है कोई बात नहीं। ए के पास क्या है 63 ग्राम वाले चांदी के सिक्के हैं और बी के पास क्या है 77 ग्राम वाले चांदी के सिक्के हैं, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, यदि चांदी के सिक्कों का वजन पूर्णांकों में है और सभी सिक्कों के लिए समान है तो ए और बी के पास एक साथ कम से कम कितने सिक्के हैं, ए और बी के पास एक साथ कितने सिक्के हैं, ये पूछा जा रहा है। क्वेश्चन बहुत अच्छा आया था एग्जाम में, इसको दिमाग लगाना पड़ेगा अच्छे से, इसमें दिमाग ये लगाना है कि आपको एचसीएफ निकालना है या एलसीएफ, ये बात पता होनी चाहिए। तो ये कैसे पता चलेगा कि एचसीएफ निकालना है कि एलसीएफ निकालना है, इसमें एक चीज कही है उसने, हिंट तो दे दिया उसने, और सभी सिक्कों के लिए समान है, क्या सिक्कों के लिए समान बोल दिया, तो सिक्कों के लिए समान इसका क्या मतलब होता है, या तो एलसीएम, एलसीएम ही निकालना पड़ेगा। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ वो होता है जो भी संख्या का आप एचसीएफ निकालते हैं, जैसे मान लो 2-4 का निकाला आपने एचसीएफ, इसी संख्या का सबसे छोटा पार्ट एचसीएफ कहलाता है, यानी इसमें 2 हो गया। एलसीएम क्या होता है, अगर इसी में मैं कहता 2-4 में एलसीएम बताओ, तो आप ये कहते 4 जो बड़ी संख्या यही एलसीएम हो जाएगी, है ना। तो इससे क्या प्रूफ होता है, इससे ये प्रूफ होता है एलसीएम, जिस संख्या का आप एलसीएम निकाल रहे हो उस संख्या की सबसे बड़ी संख्या एलसीएम हो सकती है, लेकिन एचसीएफ नहीं हो सकता, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे क्या कह रहा, समान हो तो समान हो ऐसा केस में क्या एलसीएम हो सकता है, यानी आप एचसीएफ नहीं निकालेंगे। तो 63 और 77 इन दोनों का क्या करोगे, आप एलसीएम निकालोगे, ठीक है। तो 3 से डिवाइड करो, 3 × 6 = 3, 1 = 3, 77 में जाएगा नहीं, कोई बात नहीं, एलसीएम निकालने जाए या ना जाए कोई दिक्कत नहीं। 3 से फिर डिवाइड करो, 3 × 7 = 21, 77 उतार लीजिए इसे, उसके बाद 7 से डिवाइड कीजिए, 7 × 7, 7 × 7, 7 × 7, अब 11 से जाएगा लास्ट में, 11 × 11, ठीक है। तो एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया है 3 × 3 × 7 यानी 63 × 11, तो 11 × 3 = 33 और 11 × 6 = 66 और 3 = 69 यानी 693। वो जो समान बोल रहे हैं ना कि और सभी सिक्कों के लिए समान है, तो टोटल कितना होगा, वो 693 होगा। अब ए और बी के पास एक साथ कम से कम कितने सिक्के होंगे, ए के पास कितने सिक्के होंगे, ए के पास सिक्कों की संख्या कितनी होगी, टोटल कितना है 693, और ए के पास जो
जितने सिक्के हैं ए के पास 63 ग्राम वजन वाले सिक्के हैं, है ना, 63 ग्राम वजन वाले सिक्के हैं, तो इसमें क्या करेंगे हम, उससे डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ सिक्के मिल जाएंगे ना, 63 से डिवाइड कीजिए कितनी बार जाएगा, 63 एकम 63 6 बचेगा यानी 11 बार जाएगा। और बी के पास क्या होगा, बी के पास सिक्कों की संख्या कितनी होगी, वही काम इसमें भी करना, 693 टोटल एलसीएम आ गया। उसके बाद बी के पास कितने ग्राम वजन वाले सिक्के हैं, तो बी के पास 77 ग्राम वाले हैं, इसको डिवाइड करिए 77 से, तो कितनी बार जाएगा, 9 से 63 यानी 9 बार जाएगा, करके देख लीजिए चाहे 9 बार जा रहा है, तो 11 प्लस 9 ए और प्लस बी दोनों के पास एक साथ कितने सिक्के हैं, तो 11 प्लस 9 यानी 20 सिक्के होंगे दोनों के पास एक साथ, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही है। समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, इनमें से कौन मिश्रित संख्या है यानी मिश्र नंबर। अब मिश्रित संख्या पहचानना क्या रहता है, अगर फ्रैक्शन में सिर्फ लिखा है जैसे 5/8 7/2 2/3 तो फ्रैक्शन हो गया यानी भिन्न हो गया सिर्फ, मिश्रित संख्या क्या हो जाएगी, सही बटे में लिखी हुई संख्या, है ना, यानी एक प्रॉपर होगा एक इम्प्रॉपर होगा, जैसे 2 सही यहाँ पे 3/8 दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा, मिक्स मिश्रित संख्या, यानी एक पूर्णांक होता है बाकी भिन्न होता है, तो पूर्णांक और भिन्न साथ में हो तभी मिश्रित संख्या बनती है। और एग्जांपल जैसे 1 सही 1/3 2 सही 4/5 इस तरह की जितनी भी संख्याएं होंगी क्या होगी, मिश्रित संख्याएं कहलाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो सिंपल क्वेश्चन आया था, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए व्यंजक का मान कितना है। तो अब इसको जिसका चैप्टर सर्ट्स और इंडाइसेस यानी करड़ी और घातांक वाला जिस चैप्टर जिसको आता है वो इसको आसानी से कर लेगा, इसमें कुछ है ही नहीं, इसमें क्या करना, पावर की पावर लगाते रहो आप, 3 की पावर 3 है तो पहले 3 की पावर 3 लिखो, उसके बाद जो ये रूट लगा हुआ ना, ये रूट में स्क्वायर रूट है 2, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, 1/2, अब गुणा करते जाइए पावर की पावर, उसके बाद क्यूब रूट है, क्यूब रूट का क्या मतलब, 1/3 पावर में आ जाएगा इनटू, उसके बाद 5 रूट है यानी 1/5 हो जाएगा। अब देखिए कैंसिल आउट क्या क्या हो रहा है, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, 3 की घात 1/10 ये हो जाएगा 5 गुना 10, ऑप्शन कौन सा सही है, सी, इतना सिंपल हलवा क्वेश्चन दे रखा है एकदम, आप लोग सही से पढ़ाई करो ना तो कुछ भी नहीं है, आराम से निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, के किस मान के लिए समीकरणों की प्रणाली 2x + 3y = 5 4x + ky = 10 है ना, में असीम रूप से कोई समाधान है। असीम रूप से क्या मतलब, मैनी सोल्यूशन, है ना, असीम रूप से क्या मतलब, मैनी सोल्यूशन। अब मैनी सोल्यूशन के लिए क्या फार्मूला होता है, अगर आपके पास दो समीकरण है a1x + b1y + c1 = 0 a2x + b2y + c2 = 0 तो मैनी सोल्यूशन कब होंगे, मैनी सोल्यूशन असंख्य सोल्यूशन कब होंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन कब होंगे, समाधान कब निकलेंगे, उसका फार्मूला होता है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 यानी ये फार्मूला आ जाएगा, है ना, तो ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, बाकी चैप्टर में पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए, ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो आप इसको इक्वेशन को पहले लिखिए जो दे रखा है, समीकरण 2x + 3y = 5 दे रखा है ना, बराबर 5, तो 5 को इधर ले आएंगे हम, सिमिलर इस तरह बनाएंगे 2x + 3y - 5 = 0 तो समीकरण एक हमारा ये हो गया। दूसरा क्या दे रखा है, 4x + ky = 10 इसको भी 10 इधर ले आएंगे तो 4x + ky - 10 = 0 ये हमारा दूसरा समीकरण बन गया। अब इसको क्या करना है, a1/a2 आपको पता है यहाँ a1 के पहले समीकरण में a1 क्या होगा, 2 होगा, दूसरे में 4 होगा a2 इसमें, तो आप वैल्यू पुट कर दीजिए, a1 कितना होगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ आप लोग समझ जाएं, कंपेयर कर दीजिए ना, इसमें कुछ है थोड़ी ना, कंपेयर करो, a1 की वैल्यू कितना है, 2 है पहले समीकरण में तो 2/ a2 की वैल्यू दूसरे समीकरण में देखो 4 है तो 2/4 बराबर, b1 कितना है यहाँ पे, b1 3 है 3 लिख दिया, यहाँ पे b2 कितना है, k है तो k लिख दिया बराबर, c1 कितना है -5/c2 कितना है -10। अब हमें k की वैल्यू निकालनी है ना, k के वैल्यू बताइए आप, तो एक काम करिए दो समीकरण ले लीजिए जिसमें k हो, इन दोनों को आप बराबर कर दीजिए, बाकी छोड़ दो क्योंकि k की वैल्यू निकालनी है बस, तो जब इन दोनों को बराबर करेंगे 3/k = -, ऊपर नीचे कट जाएगा यानी 5/10 हो जाएगा,
और 5/10 को भी हल करोगे तो कितना आ जाएगा 1/2, है ना। तो 3 × 2 कितना हो जाएगा 6, और k गुड़े 1 कितना हो जाएगा k, तो k का मान कितना निकल के आ गया, 6 आ गया, यानी ऑप्शन सी सही है। बहुत सिंपल था, आपको ये पता होना चाहिए फार्मूला, अगर ये पता है तो आप आसानी से कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है। यदि माइनस का अर्थ गुणा है और गुणे का अर्थ है योग और प्लस का अर्थ है विभाजन और भाग का अर्थ है घटाव, तो निम्नलिखित व्यंजक का मान निकालिए। ये तो बोर्ड मास का क्वेश्चन आ गया ना, बोर्ड मास है बस उसको चेंज करने कह रहा है। रीजनिंग में भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इसमें क्या करना है, पहले जो कह रहा है उसको साइड में लिख लो, है ना। माइनस का अर्थ क्या है, तो माइनस का मतलब क्या कह रहा है, गुणा, और गुणे का अर्थ क्या कह रहा है, योग, और प्लस का अर्थ क्या है, विभाजन, और विभाजन यानी भाग का अर्थ क्या है, घटाव। अब फार्मूला ये लिख लिया आपने, क्या चेंज करना है, तो 40 गुणे को हमने क्या चेंज करना, प्लस में लिख लिया प्लस, 12 प्लस को क्या चेंज करना, भाग में, भाग कर लिया 3 आ गया, माइनस माइनस को क्या चेंज करना, गुणे में, गुणा कर लिया 6 आ गया। अब भाग दे रखा है, यहाँ पे भाग दे रखा है, भाग किस में चेंज करना, माइनस में, तो माइनस 60। अब इसको हल कर लो। बोर्ड मास के अकॉर्डिंग क्या होता है, आप बोर्ड मास पढ़े होंगे, सर पढ़ा रहे हैं बोर्ड मास, तो आप बोर्ड मास के अकॉर्डिंग क्या आपने पढ़ा है, पहले डिवाइड करना या मल्टीप्लाई, तो पहले क्या करेंगे आप, डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 40 प्लस 12/3 गुणे 6 माइनस 60, तो 3 से कट जाएगा, कैंसिल आउट कर दो, 3 × 6 = 12, तो 40 प्लस 4 × 6 = 24 माइनस 60। अब देखो प्लस माइनस, बोर्ड मास में क्या होता है, जब प्लस माइनस आ जाए ना तो दिमाग नहीं लगाना है, चाहे पहले प्लस कर लो चाहे माइनस कर लो, तो जो मर्जी आए वो कर लो ना। 40 और 24 क्या हो जाएगा, 64, 64 में से 60 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 4, यानी आंसर 4 आना चाहिए, तो आंसर सी बिल्कुल सही है। तो इस तरह से हमने पुलिस का जो जेल बॉर्डर में क्वेश्चन आया था वो हमने कंप्लीट कर लिया है, और अगला जो इसका पेपर आया हुआ जो भी पुलिस में उसका हम लोग कंप्लीट कराएंगे। रीजनिंग का भी सर ने करा रखा है प्रोफेसर ने, तो आप उसका अभी जाके वीडियो देख सकते हैं। बाकी आप अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।